अब मैंने एक बात कही, आपको संस्कृत आती हो तो तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुम अरसि, ऐसे मैंने कहा। तो आपने सुना के बड़े महाराज कोई मंत्र बोल रहे हैं, बोलो बोलो महाराज, आप बोलते रहो, हमारे क्या पड़ा है, बोलते बैठो, हम सुनते बैठे। लेकिन मैंने उनको रोज ये कहा, अनुज्ञाम दातुम अरसि, आने मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ, कथा करने मैं आज्ञा ले रहा हूँ, अभिषेक करने मैं आज्ञा ले रहा हूँ, यज्ञ करने, अनुज्ञा याने उनसे आज्ञा लेना। इस एक चीज से मुझे विचार आया कि आपके घर में जितने देवता को आपने स्थान दिया है वो आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं। मुझे ये सवाल तुरंत विचार में आया कि वो आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं। बोलो मुंह खोल के, बोलो मुंह खोलो। अच्छा महाराज बड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है महाराज बड़े हैं। तो आपने कभी पूजा करने के पहले हाथ जोड़ के महाराज आप बहुत बड़े हो, और एक कोई एमपी एमएलए के घर में घुसने के लिए भी हमको 100 बार विचार करना पड़ता है, हमने आपको घर में ला के बैठा लिया इसलिए आप हमारे नौकर नहीं बन गए हो, आप बड़े हो तो अब आपको अनुकूलता हो, आपकी इच्छा हो, आपकी रजा हो, आपकी मजा हो, आपकी तजा हो, तो फिर मैं आपकी सेवा करूं। ऐसे आज तक आज्ञा लेके सेवा किया हुआ कितना आदमी है ये मुझे पूछना। हाँ आप जब चाहो तब हाथ डाल लो, क्या आपके नौकर हैं? जब चाहें तब आप उनके सिर पर टिक्की लगाने लगो, भाई उनकी मर्जी हो तो देखो, टिक्की आपकी कुमकुम पैसे से खरीदी हुई है लेकिन आपके इष्ट पैसे से खरीदे हुए नहीं है, वो महाशक्ति आपके चवन्नी की नारियल ने मिठाई उसको ले जाके आज जबरदस्ती उनके सामने पटकने लगो और उनको गुस्सा आ गया तो जूता मार के भगाते हैं। आज से ये भी हम इस कथा के द्वारा सीखें कि जब भी पूजा करनी हो, आराधना दिया धूप क्यों ना करनी हो, छोटा कर्म क्यों ना करना हो, उस कर्म के शुरुआत के पहले मैं ये कर्म करूं, ये मुझे आज्ञा प्रदान करें। इतना करने के बाद छोटा जो सुदामा को, सुदामा जो चुड़वा लेके गया था पोवा, ऐसे 4 पोवा भी रख दोगे तो आपके घर में सोना बरसने लगेगा। विनयवान को ही आशीर्वाद मिलेगा, किसको मिलेगा आप बताओ? कितने लोग पहले हाथ जोड़ के कुलदेवी को, इष्ट देवता को, अपने देवताओं को, वो मुझसे सीख के किया हो तो वो अलग बात, वो हाथ ही नहीं उठाना, वो तो पहले बोला हुआ वही बात है। अपनी बुद्धि से आज्ञा लिया, कौन लिया वो मेरे को पूछना है। तो हमसे बड़े कोई भी हो, देखो भाई मोदी जी को मिलना हो, मोदी जी की इच्छा से मिले कि हमारी इच्छा से? हाँ तो मोदी जी के भी पूजनीय श्री भैरव जी महाराज को उनकी आज्ञा से सेवा करना कि अपनी मर्जी से, बोलिए। हाँ तो आज से ये भी सीख लें हम कि जब भी घर में रोज संध्या पूजन करें, सुबह में दिया धूप करें, कोई भी आराधना करें, देखिए इससे पुण्य तो बढ़ेगा लेकिन पुण्य बढ़ाने के लिए भी, बीमारी मिटाने के लिए भी डॉक्टर के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा ना। बीमारी मिटना है, मेरी बीमारी इसलिए मेरी मर्जी जैसे चलूंगा तो आपकी बीमारी आपकी मर्जी से जाएगी कि डॉक्टर की मर्जी से जाएगी? तो आपके दुख भी देवताओं की मर्जी से ही जाएगी, आपकी मर्जी की पूजा से जाएगी ही नहीं। आप इतना लॉजिक समझ लो कि आपकी मर्जी की पूजा से आपकी बीमारी नहीं मिटेगी। देव विधान देवों की जो बताए शास्त्र आगम के विधि से ही मिटेगी। अगर वो विधि आप कहां कहां से आए, कल बच्चे को पूछा हो के मुजफ्फरनगर, ओके मैं कुशीनगर से आया हूं, कुशीनगर कहां है? भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर बोलता है। कोई कहता मैं शिमला से आया, शिमला कहां है? बहुत नजदीक है। आप इतने दूर यहां आए हो, ये दूरी चलेगी? देवों से दूरी नहीं चलेगी, वो नजदीक होने के लिए इतने दूर आए हो, उनसे नजदीक होने के लिए इतने दूर आए हो। देखो 24 साल के बाद हंस रहा है ये, कहां से आया? कल पूछा भूल गया, कहां से आया? अहमदनगर। हाँ अहमदनगर के 24 साल बाद हंसा। मैं मन में सोचूं कि 24 साल तक हंसा तक नहीं तो वो जिंदगी को क्या बोले। बहुत सोचता हूं, आप भी कम नहीं हो, आप भी इतने जल्दी हंस नहीं लेते हो, आप भी हंसने के लिए हिसाब लगाते हो कि इसके सामने हंसे तो फायदा है क्या, फिर हंसोगे? फायदा है तो हंसें, फोगट में क्यों हंसी करें भाई, मुंह को दर्द क्यों दें? हाँ हिसाब किताब क्या है? तो आज से हम एक आदत तो जरूर सीखिए, जब भी पूजा पाठ करनी हो जरूर अपने देव स्थान को पर्दा लगा के रखिए।
पहले आज्ञा लेके फिर पर्दा खोलोगे तो पूरा कार्य शुभ होगा। खुला नहीं रहना चाहिए कोई भी देवस्थान, अगर वो खुला है तो आपके घर की रजस वाला स्त्रियों का जो तरंग है निश्चित वो देवों में जाएगा। उस घर में दरिद्रता और दुख 100% रहेगा। अगर बहुत पैसे वाले हैं तो रोग और संकट शत्रु भय जरूर रहेगा, ये दो में एक। अगर या तो वो दुख देगा दरिद्रता के रूप में या दुख देगा भय के रूप में, रोग के रूप में। अपने देवस्थान को पर्दा लगा के ही रखना चाहिए, जिससे कोई भी पर्दा भी जरी का होना चाहिए। अभी भाई हम तो सोने का कहाँ से जरी लाए महाराज, कोई जरूरत नहीं है। ये जो चमकता कपड़ा होता है ना सिल्क, तो वो भी महंगा होता है, गरीब क्या करेगा सिल्क के लिए। चमकते चुंदड़ियां होती है 5-10 रुपए में भी मिलती है, सोने जैसे चमकती है। उसमें से जो भी खराब तरंग आता है वो वापस चले जाता है। चमकते वस्तुओं में तरंग कभी अंदर नहीं घुस सकता। हम शादियों में अच्छे त्योहारों में चमकता पहनते हैं ना, तो ये औरतें और आप भी समझते हो कि हम पैसे वाले हैं इसलिए चमक के दिखाने के लिए पहनते हैं, पुराने जमाने में इसलिए चमकता नहीं पहनते। आप त्योहारों में शादियों में कहीं जाओ, भीड़ बहुत होती है, कोई आप पर नजर डाले तो वो नजर वो चमकते वस्त्र से वापस निकल जाए, इसलिए चमकता वस्त्र पहनना है। चमकता वस्त्र इसलिए नहीं पहना। आजकल औरतें देखो त्योहार हो फंक्शन हो अच्छे चमचमाट पहनती हो कि नहीं, उसको तुम सोचती हो श्रृंगार, क्या सोचती हो, श्रृंगार नहीं है। कोई भी चमकता वस्त्र पहनोगे तो चमकता वस्त्र आने वाले नेगेटिव वाइब्रेशन को बाहर भेज देगा, अंदर नहीं आने देगा। जरी के वस्त्र में ये प्रभाव है। जरी का पर्दा होना चाहिए घर में, भले छोटा सा गोखला हो, छोटा सा एक स्थान हो, जरी के वस्त्र से बंद करें। दिया जले जब तक खुला हो, दिया समाप्त हो गया बंद कर दें, फिर कोई घड़ी घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम टीवी में कहीं कहीं गंदी बातें सुनते हैं, वो आवाज़ सब वहाँ जाती है, वो सोचते हैं कि इनको कोई भी थोड़ा भी विवेक नहीं है, क्या सोचते हैं देवता। अगर वो पत्थर और मूर्ति है तो रखने की जरूरत नहीं है, अगर वो शक्ति है तो फिर उस शक्ति के लिए हमारे घर में संस्कार भी होना पड़ेगा। टीवी में कोई नाच रहा है, बीड़ी जलाई ले बीड़ी जलाई ले, अब कुलदेवी सुनेगी तो तुम्हारा घर जलाएगी। हाँ क्या हो, सोचो, हंसो मत, सोचो तुम्हारे घर की हालत को। आप में कौन हो कि भगवान आ जाएं तो आपके आज के जीवन शैली से भी उनको निभा सकते हो, ऐसे कौन कौन हो। कोई बोडा बरमोडा पहन के सोया है घर में, कोई बनियान पहन के सोया है, कोई औरत तो नाइटी पहन रही है, खाना देखो तो बड़े बद्दा खाना, जीना बड़ा बद्दा, सोफा में ऐसे पड़ते हैं, गंदी गालियां बोलते हैं, समझो पार्षनाथ आ गए तुम्हारे घर में। पहले ही मालूम पड़ जाए कि आ रहे हैं तो भले ही हम थोड़े नकली तैयारी करके रखें, सब व्यवस्था करें और बोल चाल में भी थोड़ी सादगी शिष्टाचार सब बनाएं, हम जैसे हैं वैसे ही भगवान आ गए। आप में किसकी जीवन शैली ऐसी है जो भगवान को निभा सको, आप बताओ। तो फिर आप आशीर्वाद मांगो तो कैसे। आपको मैं प्रार्थना करके कहता हूं कि भगवान आए तो भी खुश हो, वो जीवन शैली के लिए तैयार हो जाओ, फिर तो भगवान ही खुश हो। वो जीवन शैली है नहीं आपके पास, फिर आप भगवान की इंतजार कर रहे हो कि कुलदेवी, आप सबको इच्छा है ना कुलदेवी दर्शन दें। दर्शन क्या दें, घर में जो बैठा ही है वो फोटो तो दर्शन ही है, उसको आप फोटो मानते हो इसलिए असली दर्शन के तरस खा रहे हो। उसको ही दर्शन मान लोगे तो दर्शन ही हो जाए। हमको फोटो फोटो दिख रहा है, देवी नहीं दिख रही है ना, मूर्ति मूर्ति दिख रही है, देवी नहीं दिख रही है। अगर वो देवी दिख जाए तो देवी निकल कर आ जाए बाहर। रामकृष्ण परमहंस ने काली को काली की मूर्ति नहीं मानते हुए काली माना, तब तो उसके अंदर से निकल के वो बाहर आई। वसंत विजय ने पद्मावती को मूर्ति नहीं माना, पद्मावती माना, तभी तो वो निकल के दर्शन दी है, नहीं तो वो कहां से दर्शन देती महाराज। आप बताइए आपका भ्रम कैसा है घर में। देखो पति के मुंह से क्या क्या शब्द निकलते हैं, आप घर में देखो पत्नी क्या क्या नहीं बोलना, यहां आके शिष्टाचार निभाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ के बड़े शांत बैठे हैं, बड़े भक्ति से बैठे हैं। आहा हा कितनी भक्ति आ गई, मैं भी देख के भक्तों को बहुत खुश हो जाता हूँ। लेकिन एक जूड़ा पहन के कोई औरत रोड में जाती हो, हम देखते हैं कि क्या सुंदर जूड़ा बनाया, ऊपर गजरा कितना सुंदर लगाया। अगर वो खुल गया हो और अंदर से जू और कीड़े गिरने लगे तो तब आप क्या कहोगे, आपका जीवन शैली ऊपर से जूड़ा और गजरा पहना हुआ है, जब खुल जाता है तो अंदर से कीड़े और लटें गिरने लगती है, है कि नहीं। देखो आप ये सच्चाई बताने के लिए बड़ा हिम्मत जरूरत पड़ता है, क्या करें। लेकिन महाराज
आपको आज मैं कहता हूं कि भैरव कृपा को प्राप्त करने के लिए अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना पड़ेगा? देखो, आपका आदत आपको तकलीफ देता है कि पड़ोसी के रिश्ते के दुनियादारी में 40-50 दिन से प्रवचन कर रहा हूं अभी, तो रोज एक ही बात कहता हूं, सुधरना पड़ोसी को है क्या? सुधरना रिलेशन को है क्या? किसको है? आप तो किताब लिखने वाले हो, इसलिए पहले ही आप ये सब चीजें इसमें नोट कर लो। हाँ, आप नोट करिए कि सुधरना किसको। आदत बड़ी बला है। एक आदमी होटल चला रहा था। क्या कर रहा था? होटल में आवे तो टेबल पर कोई भी आवे, काउंटर पर बैठ के बिल फाड़ता था। तो कोई भी आवे तो उसका आदत है, यहीं खाओगे के पार पैकिंग करना है आपको। पूछे ना होटल में कि यहीं खाना है कि पैकिंग करना। नींद में भी यही पूछने की, अब पूछ पूछ के वही आदत है, दूसरा कोई काम नहीं। कोई भी पैसा दें, बोलें कि भाई 4 इडली, 2 डोसा, 1 पराठा, भाई यहीं खाओगे कि पैकिंग करना, आपको पार्सल ले जाना है। तो होटल में नुकसान हो गया। क्या हो गया? क्या नुकसान हो गया? तो घर में बैठेगा, दूसरा धंधा चालू करना ना। तो कीटाणुनाशक दवाइयों का धंधा चालू किया। क्या धंधा? क्या धंधा चालू किया? अब कोई भी आके पूछे कि भाई 500 मिली, हम 500 ग्राम दवाई दीजिए, यहीं खाओगे कि पैकिंग करना है, पार्सल करना है। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? आप अच्छे से ढूंढोगे तो आपकी आदतों के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। एक ऑफिसर था, कोई भी आके छुट्टी मांगे ने तो बोले दूसरी व्यवस्था करके फिर जाओ। नीचे उसके कर्मचारी बहुत हैं, छुट्टी मांगेंगे, बीमारी है, तकलीफ है, कोई परेशानी है, छुट्टी मांगे। छुट्टी मांगते ही बोले भाई काम रुकेगा नहीं ऑफिस में, तू छुट्टी ले लेगा, काम कहाँ जाएगा, दूसरी व्यवस्था कर फिर तू जा सकता है। एक दिन पत्नी घर में कहती है पियर जाना है, तो कहता दूसरी व्यवस्था करके फिर जा। हाँ, ये क्या है? ये क्या है महाराज? आपके पास ये है, आप ध्यान रखो। आप जैसे सोते हो रोज वही वैसे ही सोते हो, जैसे खाते हो वैसे ही खाते हो। कई लोग देखो खाने के समय कौवा लेंगे तो कम से कम आधा कौवा चावल तो नीचे गिरेगा। आप देखे होंगे ऐसे लोगों को, इनके पास पैसा नहीं टिकेगा कभी भी। जो पैर हिलाते बैठा रहता है 24 घंटा, हाथ हिलाते बैठा रहता है, ये अपनी व्यर्थता की निशानी है। इनके हाथ में कभी पैसा नहीं टिकेगा। अगर आपके पास समृद्धि होना है, कण कण की आपके अंदर व्यवस्था की जागृति होनी पड़ेगी, फिर जाके आप टिक पाओगे कहीं व्यवस्था भी। फ्लाइट में एक माँ पहली बार 3 बच्चों को लेके जा रही है। कहाँ जा रही है? फ्लाइट में 3 बच्चों को लेके एक माँ जा रही है। जैसे ही फ्लाइट ऊपर लगा ना तो बेल्ट खोलने बोल देते हैं, लाइट सब बंद हो जाता है, फिर आप आराम से बैठ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, कोई उधर खरीदी बिक्री हो रही है तो खरीद सकते हैं, सब होता है फ्लाइट में। कौन फ्लाइट में गए उनको पता होगा। तो अब ये जैसे ही लाइटें बंद हुई, बेल्ट सब खुला दिया फ्लाइट में, तो बच्चे खेलने लगे। तो माँ कहती है उनको, घर में ही परेशानी, सब जगह परेशानी, खेलो मत, अगर खेलना तो बाहर जाके खेलो। रोज क्या कहती है घर में? रोज क्या कहती है? अब फ्लाइट में वो कहती है कि बाहर जाके खेलो, बाहर जाएंगे तो क्या होगा? ये क्या है? हाँ, एक बस का ड्राइवर था। वो बस का ड्राइवर बस चलाता था सदा। किसी कारण से वो जिधर काम करता था उस मालिक को नुकसान हुआ, वो बसें बेच दिया। इसको दूसरा रास्ता नहीं आया, इसको तो ये चलाना ही आता है। लेकिन वहाँ उस गांव में और कोई ट्रांसपोर्ट था नहीं, लेकिन पास नदी लगी थी तो बोट चलाने का काम मिला। वो भी ऐसे ही बैठ के इंजन चलाना, भाई किधर ही चलाओ अपने, तो चलाना चलाने लगा। एक दिन आधे रास्ते में यात्रियों थे और बोट रुक गई, रिपेयर हो गई, तो उनको बोलता आप नीचे उतर के धक्का मारो तो गाड़ी चलाओ। अब वो पानी में उतर के धक्का मारेंगे तो उनका क्या होगा महाराज? आप कहने का मतलब इतना ही है, ये मजाक नहीं है, कि आप अपनी आदत को देखोगे, या तो आलस, या गलत विचार, या मन में खुद ही दुखी रहना सदा, या अपने बारे में कम सोचना, या दूसरों के बारे में ईर्ष्या करना, या दूसरों के बारे में निंदा करना,
इसमें कोई एक आदत आपके पास है जो आदत आपके जीवन को सर्वोत्तम बनने से रोक रही है, ऐसे मैं कह सकता हूं। आप सोचिए, ये छूटता नहीं। वो भले ही बस से नाव में पहुंच गया हो, लेकिन जैसे बस कभी रिपेयर होती थी, ब्रेकडाउन होता था, तो वो क्या कहता था यात्रियों को, हा? नीचे उतर के धक्का मारो। अब वो बोल रहा पानी में उतर के धक्का मारेगा? आदत नहीं छूटता है। क्या नहीं छूटता? आदत नहीं छूटता। आपके पास क्या आदत है? देखो, हरदम बैठ के दूसरों के, अरे वो ऐसा है, चार बहने बैठ गई तो पूरा गांव का पूरा मसाला निकालती है कि नहीं? बैठी तो कृष्णगिरी में ही है। अभी उन उन रूमों में जो बहने हैं उनको पूछो कि वो जिस जिस गांव की है, उस गांव की, उस जिले की, उस राज्य की, अपने देश की, अमेरिका की और पूरे संसार की बात आज तक तो पूरी हो गई है। अब और क्या बात करेगी पता नहीं, पूछो इन बहनों को। क्या क्या बातें की बहनों, बोलो। बात ही नहीं की, ऐसे बोलने वाली गुरु के सामने झूठ बोलती है, वो तो मैं गारंटी दूं। हाँ, बात नहीं, बहन और बात नहीं करें, हाँ, महिला और बात नहीं करें, या तो गूंगी होगी ऐसे बोले तो भी गूंगी होके भी हूं कर देगी, लेकिन मुंह बंद नहीं रखेगी, हूं करें। हाँ, नशे से आदमी बिगड़े ना, बातों से औरत बिगड़े, ये दो ही दो से बिगड़े। किससे बिगड़े? औरत, आजकल तो औरतें भी नशा करने लगी, मैंने देखा है, आजकल बाटलें पकड़ने लगी, सिगरेट पीने लगी, ये अलग बात। अभी तक अपनी कथा में ये बोलने का नौबत नहीं आया, लेकिन ज़्यादा बाहर घूमूंगा देखूंगा तो फिर ये भी बोलना पड़ेगा। मैंने सुना है कि महिलाएं आजकल खूब पी रही है, नशा कर रही है, सिगरेट पी रही है। अभी अपन भैरव पुराण सुने तो अच्छा है, इनकी पुराण सुन के कोई आने वाला है? तो आप अभी एक मिनट के लिए टटोलो के आपके पास क्या आदत है। क्या भाई, कहाँ से आया? वैसे ही बोलो, बोलो वैसे ही बोलो। हाँ, राजस्थान जयपुर से आया। हमको हमारे पास रहे हुए दुर्बलता को समझने की विवेक होनी चाहिए। पड़ोसी की नहीं, पड़ोसी क्या क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी जी ने जो पॉलिसी लाया वो अच्छा है कि खराब है, राहुल गांधी की कब शादी होगी, उसकी शादी हुई कि बर्बादी हुई, उसमें अपने कोई लेना देना नहीं। हम आबाद हों ये हमको सोचना है। वो अपने हिसाब से आबाद होता रहेगा बेचारा, उसका छोड़ दो। हाँ, जो अकाल में जन्मे हैं वो सब क्या होंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे जीवन का हम सर्वोत्तमता सोचना है। आप सबको अपनी कोई एक गलत आदत दिख रही है क्या? दिखती है? तो मैं आपको बोलता हूं कि उसको कृष्णगिरी में छोड़ के जाओ। कहां? अभी दुनिया में सब संत बोलेंगे कि भाई तीर्थ में प्रसाद चढ़ाओ, तीर्थ में फूल चढ़ाओ, अत्तर चढ़ाओ, माल चढ़ाओ, बोलेंगे कि नहीं? अभी मैं बोल रहा हूं कि आपके दुर्गुण और अवगुण और आपके गलत आदत यहां छोड़ दो, क्योंकि देवों को वही देना चाहिए जो उनके पास नहीं है। हीरा पन्ना प्रसाद मानक मोती देव लोग तो देवों के पास है, अवगुण एक ही देवों के पास नहीं है। ले माँ, तेरे पास जो नहीं है मैं देता हूं, तू वो ले, और तेरे पास जो है वो तू मुझे दे। हाँ, वो एक क्षण में उसको भस्म कर सकती है। हमारे अवगुण लेके क्या वो अपने उस अवगुण का अवगुणी बन जाएगी? हाँ, हम दो दिन किसी गंदे आदमी के साथ रहेंगे तो गंदगी सीख लेंगे। देवता हमारी गंदगियों को जलाते हैं, पकड़ते नहीं है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि आपके पाप ताप श्राप और दुख को देवों के चरण में छोड़ो, यही सबसे बड़ा आपका समर्पण है। आप अच्छे बन गए तो सबसे पहले जगत जननी खुश होगी, बाद में ही जन्म दी हुई माता खुश होगी, क्योंकि जन्म दी हुई माता इस जन्म की माता है, वो जन्म जन्म की माता है, आपको हर जन्म में देख रही है। सबसे पहले वो खुश होगी कि मेरा बेटा सुधर गया, 24 साल बाद हंसता है मेरा बेटा। माँ हंसी होगी उस दिन कि 24 साल बाद, मैं तो ये सोचूं तो कभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि 24 साल कैसे हंसे बगर रहे, क्या कारण हुआ होगा। हाँ, क्या कारण रहा होगा उसके बारे में अलग से सोचें, उनसे बात करके उनका एक पुस्तक लिखिए, तब जाए वो पुस्तक लिखने जैसा है। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसानों के जीवन की घटनाएं सुनो तब जाके समझ पड़े किसी का दुख किसी को कैसे बर्बाद किया, किसी का दुख किसी को कैसे दुखी किया।
हर एक के पास एक एक कहानी हो सकती है, तो आप सब कहानियों से भरे हुए हो। आज हम यहाँ पर श्री भैरवनाथ जी महाराज का दिव्य कृपा को प्राप्त करने एकत्रित हुए हैं। तो आज हमने पहले देखा कि भैरव देव के महाभैरव स्वरूप को हमने अंधकासुर के वध के लिए उत्पन्न शंकर का रूप के रूप में देखा, पहले दिन में देखा ना अंधकासुर कैसा था, और भैरव जी ने त्रिशूल में उसको 10,000 वर्ष तक लटका के रखा। कितने वर्ष तक, और हम भी लटके हुए हैं उस हिसाब से। हम भी यानी आप, मैं तो अच्छे से माँ के चरण में हूँ, लेकिन इसमें जो भी दुखी हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि ये दुख आया कैसे है। आपको एक चीज आज दिखाता हूँ, आप अगर देखो अच्छे से घोर के, आपको सही लगे तो आप मुझे बताना। आप में आपके काम को आपके सोचे हिसाब से करने की जिद भी है, ऐसे मैं बोलता हूँ। आप क्या बोलते हैं? हाँ, मैं सोचा वैसे ही वो काम होना चाहिए। घर में पत्नी को आप बोल के गए हैं कि भाई तू तुअर की दाल और रोटी बना के रखना, अगर वो मूंग की दाल वो रोटी बना दे तो आप पुरुषों में कितने लोग शांति से उसको खा लेते हैं। भाई जोड़ा बोल के गए, बाद में बिना बोले कुछ भी बनाया हो खा लिया वो अलग बात, लेकिन आप विशेष करके बोल के गए कि आज मैं तूर की दाल और रोटी खाऊंगा, उसने मूंग की दाल और रोटी बना दी, कोई बात नहीं कुछ भी बनाए। गुपचुप खाने वाले कितने हैं, वही मेरा सवाल। वो पत्नी से डरता होगा, बाकी तो कोई गुपचुप खाने वाला नहीं। या तो ओम शांति होगा या शांति ओम होगा, दो में एक ही है। हाँ, वो जो हाथ ऊंचा किया मैं गुपचुप खा लेता हूँ, उसका मुंह ही खुले रोटी के लिए, वो भी आज्ञा से खुले, नहीं तो वो ही नहीं खुले। हाँ, बाकी तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। देखो दो लाइन लगी थी स्वर्ग में, क्या लगी थी? मैं यहां से दान में देख रहा हूं कि स्वर्ग तो कितना बड़ा है, दो ही लाइन क्यों लगा है? कैटेगरी बहुत होनी चाहिए ना। अभी तुम किसी भी कॉलेज में जाओ, बीए है, बीकॉम है, बीसी है, बीई है, एमबीए है, एमकॉम है, कितने ही है कि नहीं भाई, वो सब अब छोड़ो, कितने ही कैटेगरी है कि नहीं पढ़ाई में। तो स्वर्ग में भी बच्चे होके मरे हुए, पुण्य करके मरे हुए, बूढ़े होके मरे हुए, फांसी खा के मरे हुए, जहर खा के मरे हुए, बाप की मान के मरे हुए, बाप के बिन माने मरे हुए, माँ की सुन के मरे हुए, माँ को मार के मरे हुए, ऐसी कितनी कैटेगरी होना ना। लेकिन मैंने देखा कि स्वर्ग में दो ही कैटेगरी है। कितनी मैंने देखा, क्या है दो कैटेगरी? बोर्ड लिखा है कि पत्नी की बात सुन के जीवन बिताया वो इस लाइन में आओ, वो एक कैटेगरी है। क्या है दूसरे में देखूं तो लिखा है कि पत्नी की बात नहीं अपनी बात से जीवन चलाया वो इस कैटेगरी में आओ। गौर से देखूं तो पहले बारी में लाखों की लाइन लगी है। कितनी? वो कौन सी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? और दूसरा लाइन कौन सा है बहनों? गुस्सा आ रहा है ना सुनते ही आपको, ये दूसरा लाइन सुनते ही ऐसा लाइन कैसे आ गया आपको, बड़ा गुस्सा आ रहा है ना। तो दूसरे लाइन में एक आदमी खड़ा है, कितना? पहले वाले में कितना? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं सोचा चलो एक तो सूरवीर निकला जो अपनी बुद्धि से चल रहा है, इसको शाबाशी दूं। मैं अपनी ध्यान शक्ति से मेरे शरीर को बाहर निकाला और स्वर्ग में पहुंच के उस आदमी को बोला वसंत विजय का तुझे आशीर्वाद। वो घूम के मुझे देखा, महाराज अरे महाराज आप यहाँ कहाँ आ गए, आप शरीर छोड़ दिए। मैं कह तू शरीर छोड़ता, मैं कभी भी छोड़ता हूँ वापस शरीर पकड़ लेता हूँ, ये मेरे काम है, मैं कभी भी छोड़ू न घुस जाऊं, वो मेरी मर्जी है, कहीं भी जा सकता हूं, ये योग साधना की सिद्धि है जो मैंने पाई। लेकिन तू बता कि तू कितना शूरवीर है, मैंने राणा प्रताप का नाम सुना है, बड़े बड़े शिवाजी का नाम सुना, लेकिन अब देखा कि एक पत्नी की बात बगैर अपनी बुद्धि से चल सकता ऐसा एक आदमी तो पृथ्वी में है। ऐसे बोलते वो यूं 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 करने लगा। मैं क्या भाई तू डांस मास्टर था क्या? नहीं नहीं महाराज आप बोलो मत, मुझे शर्म आता है। काई का शर्म भाई? नहीं महाराज मेरी पत्नी हरदम नीचे जब तक जीवित था बोलती थी कि जहाँ भीड़ हो उस क्यू में नहीं खड़ना, उसके बोलने से ही मैं इस क्यू में खड़ा हूँ। किधर खड़ा है? तो ये एक भी कौन है? वो एक ही कैटेगरी है, ऊपर और कोई कैटेगरी है नहीं। देखिए आप, तो आपको मैं बताऊं कि ये जिद्दी कैसे काम करता है महाराज। आप में देखो
कई लोग खाली बैठे हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं खाली बैठे हैं, उनको मैं पूछता हूं कि क्यों खाली बैठा है। महाराज वो काम करने की इच्छा है उसका, अभी मेरे को जमा नहीं हो रहा है पैसा और समय नहीं बैठ रहा है, जब होगा तब मैं करूंगा। एक लड़के को था कि हॉलीवुड में मुझे हीरो बनना है, क्या विचार आया? हॉलीवुड में हीरो बनना है। आप कभी अमेरिका गए हो? हॉलीवुड कहाँ है बेटा संकेत? लॉस एंजलिस में। तो मैं वहां खड़ा था लॉस एंजलिस में, तो मैंने देखा कि वो हॉलीवुड लिखा हुआ पर्वत पर बहुत बड़ा इंग्लिश में लेटर है, उसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग जाते हैं और उधर खड़े होके फोटो खींचते हैं। मैंने लॉस एंजलिस में बहुत महीने रहकर प्रवचन की है, बहुत सारे प्रवचन किए। मैंने देखा कि यहाँ कितने ही पागल वहाँ जाके पड़े हैं, उनको एक्टिंग करना है। ऐसा ही एक लड़का गया, कैसे ही करके एक फिल्मी कंपनी में जाके उसने काम मांगा कि मुझे कोई एक्टिंग का काम दीजिए। तो वो जो मैनेजर था उसने कहा कि तुझे इस एक्टिंग के सिवाय और क्या आता है बता, कुछ आता है? ऐसे तो कुछ नहीं आता है, लेकिन ऐसे कहा, अरे मेरे भाई यहां देखो प्लाईवुड हमारे स्टूडियो बन रही है, इसकी प्लाईवुड लग रही है, इन प्लाईवुडों का किला ठोक सकता है, किली ठोक सकता है। अब आपको मैं सवाल यहां पूछना चाहता हूं कि आप हॉलीवुड में एक्ट हो करके दुनिया का नंबर वन हीरो बनने के चक्कर में हॉलीवुड में गए हैं, आप पहुंचे हैं और आपको कोई बोलता है किली ठोक, आप क्या बोलोगे? यही मेरा सवाल, बोलो महाराज। हाँ, मैं तो हीरो बनने आया हूं, बोलोगे कि नहीं? उस लड़के ने बोला, आप बाथरूम साफ करने बोलो तो भी करूंगा, क्योंकि मुझे आप हॉलीवुड में घुसने जगह दे रहे हो तो काम की चिंता नहीं, मैं स्थान की चिंता करता हूं। वो लड़का बाकीली टोकने लगा, आप कई बार अपने काम की तैयारी को देखते हुए मेरे योग्यता का काम नहीं है तो मैं क्यों करूं, ऐसे एकदम जिद्दी में खड़े रहते हो। देखो तो आपकी योग्यता ही चवन्नी जैसी रहती है, लेकिन आप अपनी योग्यता के चक्कर में जीवन भर कहीं खड़े ही रह जाते हो, आप अच्छे से सोचो इस बात को। अब एक लड़का, उन्होंने जो जो बोला कीली ठोकने का काम अच्छे से करता था। एक दिन उसने बोला, प्लाईवुड को पेंट मारेगा? तो बोला, पेंट मार लूंगा, सीख लूंगा, पेंट मारने आता नहीं था, ब्रश लेके ऐसे ऐसे करके पेंट मारने लगा। अब मैनेजर इतना खुश हुआ कि लड़का आया तो एक्टिंग करने, लेकिन जो बोलो वो काम करता है। बहुत बड़े बजट में एक फिल्म की तैयारी हुई, तो फिल्म का प्रोड्यूसर ने मैनेजर को बोला, मुझे एक अच्छा हीरो चाहिए। तुरंत मैनेजर ने बोला, हीरो ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे पास हीरो रेडी है, वही एयरफोर्स वन पिक्चर का हीरो हैरिसन फोर्ड है, जिसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने, एयरफोर्स वन पिक्चर आप देखे होंगे तो राष्ट्रपति का वेश किया हैरिसन फोर्ड ने, यही लड़का जो किला ठोकने वाला। तो बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं असली राष्ट्रपति हूं, मैं जिस ढंग से उस पद को नहीं निभा पाता हूं, हैरिसन फोर्ड ने पिक्चर में मेरे से अच्छे राष्ट्रपति पद को निभाया है। बिल क्लिंटन, அப்பா என்ன பாக்குற பாரு, இங்க மாயமாயிடுச்சு இந்த சவுண்டு. तो हैरिसन फोर्ड वही लड़का है जो हीरो बनने गया, लेकिन कीली टोकने का दिन आया तो कीली टोकने में शंका नहीं खाया। आप किसी रास्ते में निकल रहे हो और आपने सोचा कि मैं वटवृक्ष पर चढ़ना है, लेकिन पहले आपके लिए एक छोटा सा नीम का पेड़ मिला, तो आप उधर बैठ के छाया लेने तैयार हो जाओगे तो वो ताजगी आपको वटवृक्ष तक पहुंचाने की ताकत भी देगी, आप समझना चाहिए। आपके पास जिद्दी भी है, आदतें भी खोटी है। देखो आप कोई ना कोई निंदा करने की आदत होगी, चार दोस्त बैठ गए, कौन कौन चार दोस्त बैठने के बाद तारीफ ही करते हैं दूसरों की, वो सब हाथ ऊंचा करें। हाँ भाई, हम तारीफ करते हैं, कभी भी मिलते हैं कोई दूसरे से तो तीसरे आदमी की हरदम तारीफ करते हैं, इसलिए ही हम मिलते हैं। बहनों
खास करके बहनों को पूछो तो हाँ एकदम अभी तक पड़ोस जितने रूमों में कौन कौन स्त्रियां रहती है उसकी क्या क्या गलतियां हैं सब बहनों को अच्छी तरह मालूम पड़ गया है। हाँ तो आपको मैं कहता हूं कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आए आपका लक्ष्य कुछ भी हो लक्ष्य तक पहुंचने तक खाली मत रहिए आप कुछ ना कुछ करते रहिए और कुछ ना कुछ करने का अनुभव बहुत कुछ करने की शक्ति आपको दे देगी। जो खाली पड़ा रहता वो लोवा काट खा के फिर किसी काम का नहीं रहता है और जो लोवा का हरदम काम में लगा रहता है उस लोवे की चमक सोने से ज्यादा हो जाती है। कुछ करते रहना चाहिए मैं ये काम मिलेगा तो ही करूंगा मेरे को ये पढ़ाई मिले तो ही पढ़ूंगा मैं ये करूं तो ही करूंगा। ये जिद्दी को भी आज इस कथा पंडाल में ही छोड़ के ही जाना है। यहाँ क्या क्या छोड़ना है वही मैं बोलूंगा क्या क्या पकड़ना है वो तो मैं ही पकड़ा के भेजने वाला हूँ आपको। छोड़ने की चीज आपको छोड़नी है। हाँ क्या क्या पकड़ाना है मुझे पता है। पूरी दुनिया से यहाँ 25 राज्यों के लोग आके बैठे हो कोई यूपी से कोई आसाम से कोई उड़ीसा से कोई बोलता है मेरी माँ बात नहीं कर रही है मेरे से कोई कह रहा मेरा बाप से मेरा संबंध सही नहीं है। सब होगा। कल मैंने बोला ना अंदर से क्या तीन चीज चाहिए पश्चाताप क्षमा दया करने की धन्यवाद बोलने की बुद्धि तब क्या हो जाएगा महाराज क्या हो जाएगा। कल हमने कॉर्टिसोल की बात की थी आपको कुछ समझ पड़ा था कल। कॉर्टिसोल यानी आप में स्ट्रेस उत्पन्न करने वाला एक रसायन वो पॉजिटिव स्ट्रेस भी उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है लेकिन आप उसको नेगेटिवली यूज करते हैं। कॉर्टिसोल एक्चुअली उत्पन्न होता इसलिए कि आप घबरा के अपनी तकलीफ को दूर कर दो तुरंत लेकिन वो तकलीफ में और घबरा के परेशान हो जाता है कि तकलीफ दूर करता है। हाँ बर्मा में जब ग्रह युद्ध हो गया था तो लोगों को वहां से निकाला गया बाहर तो एक परिवार निकल गया बाहर कहीं भाग के क्योंकि वहां अंदर में बमबारी हो रही थी उसमें मरने की संभावना थी। एक बूढ़ा बाप उसका बेटा पोता सब निकले जंगल में पहुंच गए वहां से निकल के दूसरी जगह जानी है असली घटना है। बेटे ने देखा कि बाप बहुत दूर आ रहा और बैठ गया एक जगह। फिर उस बूढ़े ने बोला अब मैं नहीं चल सकता बेटा मैं यहीं मर जाऊंगा तुम लोग जाओ मेरे से अब चलना नहीं होगा। अब इस परिस्थिति में जहां बमबारी हो रही है वहां से निकलने जो निकल गए हैं वो क्या कार लेके जाएंगे वो क्या टू व्हीलर में जाएंगे उनको पैदल ही जाना है। और इस भयानक जंगल में बूढ़ा थक गया। अब बूढ़ा थकने के बाद बोलता मैं यहीं मर जाऊंगा मेरे पीछे तुम मत रहो तुम अपना जीवन बचा लो जाओ तुम्हारी जिंदगी बड़ी है तुम जी लो जिंदगी मेरी पूरी हो गई। अब बेटे ने सोचा कि ये बाप है मेरा क्या है पिता ने हमको योग्य बनाया का गुणवान बनाया जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार अभी देखो महाराज इन लड़कों को मैं पूछता हूँ ये जो गले में हाथ डालता है ना जो पैर में हाथ डालता है इन बच्चों को पूछता हूँ बेटा कि 5 किलो टमाटर का टोकरा तुझे मैं दूँ कितना अगर दिया और बोला कि इसको तू उठा के चलना है तो तेरी शक्ति अनुसार तेरे स्ट्रेंथ के अनुसार तू कितनी देर बगर नीचे रखे चल सकेगा यही सवाल बोल कितनी देर बेटा 2 घंटा 2 घंटा तू कितनी देर रे भाई मैं अभी देने वाला हूं टोकरा सोच के बोल हाँ फिर उठा के 2 घंटा चलना पड़ेगा हाँ बोलो हाँ 2.5 घंटा ये आधा घंटा बढ़ाया ताकि चैंपियन लगे आधा घंटा बढ़ाया पास वालों से उसको मालूम है कोई देना नहीं लेना नहीं फोगट की बातें करो
समझो ढाई घंटा लिया, अपना वो बोलेगा जो देवी देवता करोड़ों में दर्शन दे रहे हैं जिसको, वो बोल देगा कि मेरे को तो 10 घंटा उठाऊ कोई 12 घंटा अपने हिसाब से। माँ की पूजा इसलिए हम करते हैं, हम गर्भ में थे उसके, अगर हम भार लगते ना वो निकाल देती तो ना बोलने मैं रहता ना सुनने आप रहते, 10 महीना उस 5 किलो की भार को उठा के चलती। आप 2 घंटे चलते हो, कोई 2.5 घंटे चल रहे हैं, कोई 4 घंटे चल रहे हैं, अगर इसको हम बाहर लग जाते तो मुझे कभी की निकाल देती पेट से, और आप भी कभी के निकाल दिए जाते। आज हम सुनने बैठे हैं तो उसने बाहर सहन किया इसीलिए बैठे। हाँ, अगर बाहर नहीं सहन करती काई के बैठते महाराज। माता ने जो कष्ट उठाया कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार हम पर। अभी समझो एक बात, रोटी खाना कहां से सीखा बोलो, कपड़ा पहनना कहां से सीखा। हाँ, एक कौवा नीचे गिरे ने ऐसे खाओ, वो समझाने वाली माँ, बाप से बचाने वाली माँ। बाप मारने आए कौन बचाए। हाँ, तो हम अपने घर के देवताओं की पूजा ढंग से नहीं कर पाए, हम गलियों में देवों को ढूंढते रह गए और घर में देवता हमारे आशीर्वाद देने के लिए सदा तैयार रहते रह गए, समझ रहे। तो बूढ़े बाप को कैसे छोड़ूं ये सोच के बेटा खड़ा था, उसको एक युक्ति सूझी। किसको? बेटे ने उस बूढ़े बाप को कहा, ठीक है आप यहीं मरिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं भी मेरे बेटे को उठा के चल नहीं पा रहा हूं, मैं भी चलना है, आगे जाके बचना है, जिंदगी जीना है, जिंदगी बहुत बड़ी है, जीने के लिए है तो मुझे जीना है, लेकिन ये इतनी बड़ी जिंदगी इसको उठा के जाते समय रास्ते में निकल गई तो मैं भी मर जाऊंगा। आप तो मरने का बोल रहे हो, इसको भी आपके साथ मरने दो। किसको? अपने बेटे को। बाप के पास अपने बेटे को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? बोलता है आप मरो तो ये भी मरने दो, दोनों मरो, मैं तो जाता हूं, मुझे और बच्चे पैदा हो जाएंगे, मैं जाता हूं। वो निकल के जाने लगा, बुड्ढा देखा कि मेरा प्यारा पोता और इसको ये मारने दे रहा है, तो बड़े गुस्से में आ गया वो बुड्ढा। उस पोते को गोद में लेके जो कह रहा मैं 1 फुट भी कदम नहीं रख सकता हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं मर जाऊंगा, ऐसे बोल के जो वहीं बैठ गया बेटे को कि तू आगे जा मैं तो मर जाऊं, मेरे से चलना नहीं होता, इस पोते को हाथ में लेके बगैर कहीं रुके 62 किलोमीटर चल के जंगल पार कर दिया। ये असली घटना है। आप में जब जीने की और कुछ करने की भावना आ जाएगी, आपके अंदर से उत्पन्न होने वाली कॉर्टिसोल पॉजिटिव स्ट्रेस बनेगी। क्या बनेगी? जब बुड्ढे को जो गुस्सा आया कि मेरा पोता कैसे मर सकता है, ये कॉर्टिसोल के रिलीज होने के कारण ही हुआ, लेकिन उसको उसने पॉजिटिवली यूज किया, तुरंत अपनी शक्ति लगा के कॉर्टिसोल की शक्ति को यूज करके वो जंगल पार कर दिया। तो आपके दिमाग में कभी दुख संकट आवे और घबराहट आए तो इस घबराहट को ही अपना हथियार बना के उस घबराहट से भी मुक्त होके और उन्नति को भी पकड़ने की ताकत का योजना बनाओ। देखो यही घबराहट आपके जीवन का श्रेष्ठता बन जाएगा। लेकिन आप घबराहट आते ही आप घबर के बैठ जाते हो ऐसे, तो वो कॉर्टिसोल शरीर के अंदर घुल जाता है, फिर वो दिमाग में स्ट्रेस बनता है, डिप्रेशन बनता है, कई प्रकार के माइनस पॉइंट बनता है, फिर आप बैठ के कई कई सोचो, फिर बाप बेटे को लेके मेरे पास आवे, बेटे को डिप्रेशन है ध्यान दो। कितने बाप आए आज तक मेरे पास? लाखों में होंगे। कितने? हाँ, इसका कारण क्या है? हम हमारी बुद्धि से समझते नहीं हैं कि ये सब मन का खेल है। क्या है? हाँ, जो काम मिले उसमें घुसो, खेली मारना हो वो भी करो, लक्ष्य को मत छोड़ो, बनना तो आपको भी हॉलीवुड का हीरो ही है,
लेकिन कीली मारते मारते पेंट मारते मारते ही आप भी दुनिया में राजा बन सकते हो। कोई भी काम को छोटा मत समझो। आपको एक बात बताऊं तो बड़ा आश्चर्य पड़ेगा, आपके घर के गहनों का हिफाजत आप करते हो क्या? उसको बराबर तिजोरी में रखते हो क्या? बोलो बहनों, मुंह मत देखो, हाँ या ना बोलो। तिजोरी में रख के ताला देते हो गहने को के रस्ते में हाल में रख देते हो? बोलो जोर से, रखते हो? वो कीमती लगता है कि नहीं? हाँ, अभी देखो मिक्सी, आपके मसाला कौन पीसता है? हाँ, मिक्सी मसाला पीसता है। और घट्टी आटा पीसता है। आपके कहीं घर में रसोई में सामान है जो आपका पेट भरता है? अब आपको एक सवाल पूछूं तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, कभी आपने सोचा नहीं होगा, आपका पेट वो मिक्सी से पीसे हुए मसाले से भरता है कि गहने से भरता है? हाँ, तो आप पेट भरने वाले मिक्सी को पहले इज्जत दो, बाद में गहने को देना, क्योंकि वही आपके जीवन का आधार है। आपके पास जीने की अंदाज गलत है। आपको कीमती चीजों की इज्जत है, आपकी आवश्यक चीजों की इज्जत नहीं है। आवश्यक चीज ही कीमती है, ये पहले समझना शुरू करो कि जो मेरे जीवन जीने के लिए सहयोग करते हैं वही चीज मेरे लिए सबसे कीमती है। ये भाव आ जाए तो आपका कल्याण हो जाए। वो मिक्सी देके, वो टू व्हीलर देके, वो गाड़ी देके आपका कि मैं रोज इसको पहुंचाता हूँ कहीं, रोज वापस ला के घर छोड़ता हूँ, मैं मुझे ये धक्का मार के कहीं खड़ा करके अंदर जाता है, फिर अंदर जाके गहने को उठाता है तो बड़े धीरे से उठाता है, कहीं नीचे न गिर जाए, कहीं यहाँ न पड़ जाए, उतने प्रेम से मुझे नहीं संभालता है। टू व्हीलर उठाते हो तो ऐसे करके मरोड़ते हो कि नहीं? बैठ के ऐसे धक्का मारते हो कि नहीं? वो कहता है गहना नहीं पहुंचाता है तुझे तेरी मंजिल तक, मैं पहुंचाता हूं। आपके जो जो चीज काम आते हैं उन सबको गहना ही समझना शुरू कर दो, वो गहने बन जाएंगे आपके। आपके पास ऐसी बुद्धि है क्या? देखो, आपको तो अपने काम आने वाले वस्तु, शर्ट खोला अभी इसी आप, मैं आऊं धर्मशाला में अभी देखूं तो आपकी गिना दूं, नौ बजा दूं, उधर आपके शर्ट पड़े होंगे, उधर आपके पैंट पड़े होंगे खोले हुए, ऐसे खोला ने ऐसे फेंका, पहनते समय सब बड़े सलीके से लिया, धीरे से पहना, खोलते समय फेंका। वो शर्ट कहता है तूने मेरी इज्जत नहीं दी तो मैं ज़्यादा तेरे पास नहीं आऊँगा। इसीलिए आपके पास 10-15 शर्ट, 5-10 शर्ट है। जिस दिन उसको खोलते समय भी घड़ी करके बड़ी श्रद्धा आदर से रखोगे, अगर वो तरंग प्रसन्न हो गया कपड़े का तो पहनने के लिए फुर्सत नहीं होगा, इतने कपड़े आएंगे आपके पास, आप लिख के देख लो। आपको वो विवेक है, चप्पल खोलो देखो, रूम में जाओ, एक चप्पल कहीं जाए पैर पटके, एक चप्पल कहीं पहुंचे, चप्पलों को आदर से धीरे एक जगह ढंग से छोड़ो, इससे धन भी बढ़ेगी, समृद्धि भी श्रेष्ठ होगी। और वो सभी चीजों में एक ऊर्जा है, ये ध्यान रखो, ये सब बोलते नहीं, ये सुनते नहीं, ये देखते नहीं, इसलिए जड़ है, ऐसे मत सोचो। हर एक में एक ऊर्जा है, जिसकी आप आदर दोगे वो सभी चीजें आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, खूब आती जाएगी, आती जाएगी। सबसे पहले दान धन, ये जो राशन है घर में, औरतें देखो रसोई करते समय चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते करते ऐसे चामक लेती, हम चामक बोलते हैं मसाले के डब्बे को, क्या बोलते हो भाई? चामक बोलते हैं, चामक को उठाएगी ऐसे ऐसे करके, ऐसे डालेगी उस हांडी में, ऐसे ऐसे पटकेगी हल्दी पाउडर को, जीरे को, कुछ भी, बड़े प्रेम से। कुलदेवी की पूजा नहीं करो ने तो चले, उतना ही कुलदेवी की पुष्प से अर्चना कर रहे हो, ये भाव से मिर्ची डब्बे से, स्पून से मिर्ची निकाल के कढ़ाई में धीरे प्रेम से डालो। अगर इसको आप एक आराधना समझ लोगे, खाने वालों को कभी रोग ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने विनय और विवेक से भोजन बनाया है। अब आप भोजन बनाओ ही बड़ी मस्ती से, ऐसे फेंको उसको, खाने वाला बोले मम्मी टट्टी लगे। क्यों टट्टी लगेगी? क्योंकि तेरे जो करने में हड़बड़ और गुस्से और चिड़चिड़ा भावना है वो रसोई में पहुंच के खाने वालों को दुख देता है। बड़े प्रेम से कोई भी काम करो, घर में हर चीज को उतनी इज्जत दो। हीरा है, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि और बढ़े आपके घर में, लेकिन हर चीज को हीरा मानने की शक्ति लाओ जीवन में। किसी को छोटा या बड़ा मत समझो। आप चप्पल को छोटा मानते हो के तो चप्पल है, क्या है? चप्पल से मारूंगा बोलते हो के नहीं? हा? बिना चप्पल जाओ धूप में जाके, बताओ बताओ, जिस समय कड़ी धूप लग रही हो, अप्पा
தம்பி இது அடிக்கடி என்ன ஆகுது பாரு கொஞ்சம் பாருப்பா எங்க தடிராயன் எங்க आपको मैं पूछता हूं कि कड़ी धूप पड़ती हो उस समय जहां चप्पल बहुत जरूर हो न और जाना बहुत जरूरी हो चप्पल भी बहुत जरूरी हो उस समय चप्पल की जगह दो भारी गहने जेब में डाल के जालोगे तो पैर ठंडा रहेगा नहीं नहीं आपके पास तो कीमती गहना उसको जेब में डाल लो अच्छा ठंडा हो जाएगा पैर जहां पैर को रक्षा चाहिए वहां हीरा भी काम नहीं आएगा 50 रुपये का चप्पल ही काम आएगा उसको इज्जत देना सीखो पहले जिस दिन आपके घर से धुआं निकलने लगी वही पड़ोसी काम आएगा जिसके बारे में आप 24 घंटे बातें करते हो दूर में रहा हुआ आपका रिश्ता कोई काम नहीं आएगा जिस दिन उधर धुआं निकली पानी डालने 4 आदमी चाहिए तो आप फोन करके बॉम्बे से अपने काका को नहीं बुला सकते पड़ोसी काम आएगा कौन कब काम आएगा कौन सी चीज कब काम आएगी कौन सी वस्तु में क्या कीमत है आप देखोगे तो हर चीज की अपनी कीमत है एक चीज भी बगैर देखो बगर कोई ब्रश दांतन करने लगोगे बगर टूथपेस्ट आपका दांत साफ हो जाएगा नहीं नहीं खाई लिए दांत साफ करना गहना लेके जेब में डाल लो अपने आप दांत साफ हो जाएंगे हाँ क्या बहनो गहने के लिए पीछे पड़ती हो कि नहीं पति की हाँ पड़ती हो तो वही पहन लो तो दांत साफ हो जाए हर एक बस मैं ये नहीं बोलता कि आप गहना मत रखो के पन्ना मत रखो के हीरा मत रखो के रुपया मत रखो उसकी अपनी जगह कीमत है वो चाहिए ही लेकिन हर चीज की कीमत है कोई छोटा काम हो के बड़ा काम छोटा वस्तु हो के बड़ा वस्तु रात हो के दिन कृष्णगिरी हो के अपना घर हर जगह को हर वस्तु को हर रिश्ते को अपने जीवन में हर एक अंश को आप इज्जत देना शुरू कर दिए पूरी प्रकृति आपको इज्जत दिलाना शुरू कर देगी फिर आप कहीं अपमानित नहीं हो सकते आप अपमानित हो रहे हो तो आप अपमान करते हो शर्ट खोल के फेंकते हो कि नहीं बोलो फेंकते हो बड़े प्रेम से ही रख दो तो क्या कितने ही घर में देखो 7-7 दिन के शर्ट टंगे ही रहते धोते नहीं उसमें से बदबू निकलती रहती एक साथ धोती है बहने 8 दिन में एक बार 10 दिन में एक बार जब तक वो मेल पसीना घर में इकट्ठा है वो दरिद्रता को खींचता ही रहेगा 2 कपड़े भी हो रोज के रोज धो के साफ कर दो मेल निकलता जाए और समृद्धि बढ़ता ही जाए ये विवेक हो तो उस घर में सदा लक्ष्मी रहेगी आजकल तो एक बड़ा सा एक टोकरा ही आ गया ये कपड़ा डालने का वो अलग ही बिकता है इतना बड़ा बम्बू का ने कपड़े का उसमें सब कपड़ा डाल डाल के इकट्ठा रखते हैं संडे के दिन एक साथ बहन धोएगी कब धोएगी है इसमें ऐसे 7 दिन में धोने वाली बैठी है मैं बोलू ना है ना नहीं है कोई नहीं हो तो मैं क्यों बोलू कथा के आज शुरू किया है 25 साल हो गया शुरू करके 25 साल में तो संसार नहीं देखा होगा ऐसा कोई स्टेट का आदमी नहीं कभी यहाँ नहीं आया है पंजाब से भी है असम से भी है उड़ीसा से भी है यूपी एमपी से गुजरात राजस्थान से तो सबके वेशभूषा जीवन शैली और आदत मैंने अच्छे से समझ लिया कि ये क्या करेंगे तो यहाँ आके भैरू जी का आशीर्वाद लेना चाहते हो तो जीवन शैली भी बदलनी पड़ेगी क्या करना पड़ेगा हाँ चप्पल को बड़े सलीके से खोल के एक दूसरे से जुड़ते हो ऐसे रखो तो कभी ग्रह दोष आपको नहीं सताएंगे जो चप्पल को पैर से फेंकता है पैर में शुक्र है मैंने पहले भी बताया पैर शुक्र और शनि इधर से शुक्र इस हाथ की मणिबंध से और उधर से शनि जो जोर से फेंकता है उसको शनि दोष लगेगा ही एक चप्पल को ऐसे फेंकता है पैर से ही ऐसे उछालता है उसको शनि दोष लग के ही रहेगा और बड़े शांति से ऐसे रगेगा शनि दशा हो तो भी सुखी रहेगा उल्टा हो जाएगा उसका काम